पाइला का बाह्य भाग। तो हमने इसके पाइला के कंकाल को पढ़ने से पहले हमने इसकी संरचना को देखी, तो हम देखते हैं कि जो पाइला है ये गीली मिट्टी या जो पानी है उसके अंदर रहता है, उसमें मोलस्का होता है। अब इसके कंकाल की बात करते हैं तो इसमें आंतरिक कंकाल तो पाया नहीं जाता है, अनुपस्थित होता है, और तो इसके बाहर का जो आवरण है, कवरिंग है, वो एक कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कंकाल की कवरिंग है, और वो उसके कारण है कि जंतु के बाहर की तरफ कंकाल मिलता है, इसलिए इसे बाहरी कंकाल कहा जाता है। आप एक कंकाल में देखें तो इसका जो बाहरी कंकाल है ये अनेक ऐसे छोटे छोटे इसका जो कंकाल होने के कारण इसकी जो आकृति है वो ग्लोबोश आकृति की हो जाती है, तो इसलिए इसको एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल की इसे कहा जाता है। अब इसका जो कवच है, ये जो बाहर का हमें कवच दिखाई दे रहा है, ये कवच एक कुंडलन नुमा संरचना बना रहता है, और ये कुंडलन जो पाइला ग्लोबोसा जो स्पीसीज है उसकी बात करें तो उसमें कुंडलन की संख्या है वो 6.5 होती है, 6.5 होगी। अब जो कुंडलन है वो एक बीच की जो एक अक्ष होती है, अक्ष है, और उस अक्ष के दक्षिणावर्ती रूप से क्लॉकवाइज रूप से ये कुंडलन मध्य के अक्ष के चारों ओर होते हैं, और वो जो मध्य की अक्ष है उस अक्ष को हमें कोलुमेला कहते हैं। मध्य की जो अक्ष होगी इसके बीच में अंदर की तरफ वो कोलुमेला कहते हैं। अब जैसे बाहर से तो ऐसे लग रहा है कि इसका शरीर है वो अंदर से सेपरेट है, लेकिन इसका जो शरीर आंतरिक रूप से जो एक कंकाल है वो एक कोष्ठी है, एक कोष्ठी है, तो एक कोष्ठी कंकाल होता है, पूरा एक ही कोष्ठ है, इसके अंदर किसी प्रकार के पटों से ये विभाजित नहीं होता है। अब इसके जो ये जो दक्षिणावर्त रूप से जो ये कुंडलन से जो बने हैं इनको बोलते हैं वोरल से चक्कर नुमा संरचना बनती है वोरल। अब ऊपर का ही जो सबसे पहले या सबसे पुराना या सबसे छोटा जो चक्र है उसको एपेक्स, उसको एपेक्स या शिखर चक्र कहा जाता है। इस एपेक्स के फिर नीचे की तरफ और चक्र होते हैं, अंतिम जो वर्ल्ड है वो सबसे बड़ा चक्र है और इसे बॉडी वर्ल्ड कहते हैं। बॉडी वर्ल्ड अंतिम चक्र, बॉडी वर्ल्ड के पास वाला जो अन्य जो यहाँ जो दूसरे वर्ल्ड है उनकी तुलना में बड़ा होगा जिसे पेनल्टीमेट वर्ल्ड कहते हैं। तो ये जो दो वर्ल्ड है, ये दो चक्र जो है पेनल्टीमेट और बॉडी वर्ल्ड, इन दोनों चक्रों में पाइला का अधिकांश जो शरीर है वो रहता है, तो पाइला का अधिकांश शरीर इन दोनों चक्रों में रहता है। इसे यहाँ जो ये चक्कर है, ये जो लाइनें हम दिख रही है और ये यहाँ जो फैलती हुई प्रतीत हो रही है, एक तरह से ये जो लाइनें हैं, ये लाइन है वो लाइन्स ऑफ ग्रोथ, और ये एक निश्चित बिंदु पर ऐसे मिलती हुई नजर आती है जहाँ जिसे अम्बलिकस कहा जाता है। अब यहाँ इसके नीचे की तरफ पेरिटल साइड में ये एक ऐसी संरचना है जिसे ओपरकुलम या ढक्कन कहते हैं, और इस ओपरकुलम में या जो ढक्कन है ये फिर यहाँ से हट जाता है, जिससे इसके जो बॉडी के जो फूड वगैरह हैं या अपने जो अन्य एक्टिविटीज जो खाने के लिए करता है तो वो अपने शरीर को यहाँ से बाहर निकालता है। तो ये ओपरकुलम या ढक्कन मिलता है, इस ढक्कन के हम देखें ऊपर की तरफ जहां से ये शुरुआत ऊपर की तरफ का जो सिरा है उसे
पेरियोस्टोम पेरिस्टोम कहते हैं, तथा अंदर वाले जो अंदर की तरफ का जो है उसे इनर लिप, यहाँ ये इनर लिप है और बाहर की तरफ देखेंगे यहाँ आउटर लिप। तो यहाँ ये इसका मुख्य सिरा है, तो मुख्य सिरा है ये जो ओपरकुलम है इसकी संरचना की बात करें हम, तो ओपरकुलम के अंदर ये ऐसी संरचना बाहर से, तो हमें ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देती है, बाहर से ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देती है, तो इनको तो बोलते हैं ग्रोथ लाइन। और ये लाइन है कि ऐसा लगता है कि एक जगह से इनका बीच में कोई सेंटर होगा और उस सेंटर के बाहर ऐसे रिंग बनी हुई, तो उस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। हम इसके अंदर की तरफ की बात करें, इसे ओपरकुलम के अंदर की तरफ की बात करें, तो आंतरिक ये तो बाहरी संरचना थी, ये आंतरिक संरचना, तो आंतरिक संरचना देखते हैं, तो इसमें एक ही संरचना मिलती है जिसे हम बोस्ट, और ये बोस्ट का क्या काम है कि ये अंदर की तरफ जो इसकी फुट है, फुट से पेशियों द्वारा मसल्स द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और इसे बोस के बाहर की तरफ छिछली ग्रूव या खांच मिलती है, और खांच के बाहर है कि ये पेशियां हैं जैसे फुट से जुड़ी हुई रहती है, तो जब इसको आवश्यकता होती है तो ये अपने फुट के जो है फुट को बाहर की तरफ करने से ये जो ढक्कन है ये बाहर आता है। तो ये जो मसल्स जो जुड़ी हुई थी, और यहाँ जो इन ओपरकुलम का जो श्रावण की बात करें, तो इस ओपरकुलम का जो श्रावण है या निर्माण कहते हैं, तो ये फुट की ग्लैंडुलर सेल्स थे, उनके द्वारा इसका श्रावण होता है। तो हमें हमने देखा कि ये जो पाइला है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाइंड करता है। अब इसे पाइला की हमें बाहरी अगर की बात करें तो हल्का पीला या हल्का भूरे रंग का ये मिलता है, पानी के अंदर रहता है। तो अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसके कंकाल की सूक्ष्म संरचना है, तो हम इसके जो कंकाल की बात करनी है हमें बाहरी, अब इसके हम इसको काटते के देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है।